हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है क्यों? नाउ डिफ्यूजन अलोन इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स ओवर मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस इन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द ब्रेन ऑफ एनिमल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्लूकोज हम इंजेस्ट करते हैं वो हमारे मुंह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो सेल तक कैसे पहुंचेगा जिसको उसकी ज़रूरत है? या फिर वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स के लेवल तक तो आ रही है, लेकिन उस सेल तक कैसे जाएगी जिसको उसकी ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन सेल। तो इस सब के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इन न्यूट्रिएंट्स को, इन केमिकल्स को उन सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर सके जिनको इनकी नीड है। नाउ द टाइम इट टेक्स फॉर अ सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस द केमिकल विल ट्रेवल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा किसी भी न्यूट्रिएंट, किसी भी केमिकल को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उतना ही ज़्यादा टाइम डिफ्यूजन में, बल्कि उससे ज़्यादा टाइम लगता है डिफ्यूजन में। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग दैट नो सब्सटेंस मस्ट डिफ्यूज वेरी फार टू एंटर और लीव अ सेल। अब ये हमारा प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ने। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, इस पूरे एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की वजह से ये डिस्टेंस का प्रॉब्लम, ये डिस्टेंस का इशू सॉल्व हो चुका है। बाय ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी फंक्शनली कनेक्ट द एक्वियस एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी सेल्स टू ऑर्गन्स दैट एक्सचेंज गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट। जो ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, विच इज़ द ब्लड, इस ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर हमारी बॉडी के डिस्टेंट सेल्स को हमारी बॉडी के उन साइट से कनेक्ट कर दिया है जिन साइट से कनेक्ट होने की उनको नीड है। सही? इन द लंग्स ऑफ अ मैमल फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेज अक्रॉस अ थिन एपिथीलियम एंड इनटू द ब्लड, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? किसी भी मैमल में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन इनहेल होने के बाद जब लंग के लेवल तक पहुँचती है, तो फिर लंग के लेवल पर आने के बाद वो एल्वियोलाई के लेवल पर आकर ब्लड में एंटर होती है थ्रू अ थिन एपिथीलियम, जबकि जो ब्लड है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगी। सही? द सर्कुलेटरी सिस्टम देन कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर ले जाने का काम किसका है? ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। एज द ब्लड स्ट्रीम्स थ्रू द टिश्यूज विद इन माइक्रोस्कोपिक वेजल्स कॉल्ड कैपिलरीज, केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टीशियल फ्लूइड दैट डायरेक्टली बाथ्स द सेल्स। फिर जब ये ब्लड उन टिश्यूज तक उस ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो फिर टिश्यूज के अराउंड जो कैपिलरीज होती हैं विच आर द साइट ऑफ एक्सचेंज, कैपिलरी के लेवल पर जाकर जो है एक्सचेंज होता है केमिकल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, उस कैपिलरी के लेवल पर जाकर वो केमिकल्स या वो न्यूट्रिएंट्स या फिर वो ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की है वो ट्रांसपोर्ट होगी कहाँ? इंटरस्टीशियल फ्लूइड में। इंटरस्टीशियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? द फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड सेल। फॉर एग्जाम्पल इफ दीज आर द सेल्स, द फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड दीज सेल्स इज द इंटरस्टीशियल फ्लूइड। सही? इस इंटरस्टीशियल फ्लूइड में ब्लड जो है ऑक्सीजन को ड्रॉप करेगा और ये ऑक्सीजन फिर उसके बाद जाएगी सेल्स में। इसी तरह ये सेल्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटरस्टीशियल फ्लूइड में ड्रॉप करेंगे, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टीशियल फ्लूइड से जाएगा ब्लड में। सही? कैपिलरीज के लेवल पर ये सारा एक्सचेंज होता है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की बेसिकली टू टाइप्स हैं, ओपन एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो व्हाट इज़ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है और ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है? लेट्स स्टार्ट। अ गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी इज़ इनएडिक्वेट फॉर इंटरनल ट्रांसपोर्ट विद इन एनिमल्स हैविंग मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, स्पेशली इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट मोलस्क ब्लड बाथ्स द इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली। दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एज द वर्ड ओपन इंडिकेट ब्लड विल नॉट ट्रेवल विद इन ब्लड वेजल्स. ब्लड इज ओपन टू द इंटरनल ऑर्गन्स. ब्लड ब्लड वेजल्स में इनमें ट्रेवल नहीं करता बिकॉज इन दीज ऑर्गेनिजम्स देयर आर नो ब्लड वेजल्स. सही, ब्लड वेजल्स ना होने की वजह से ये ब्लड ओपन होता है टू द इंटरनल ऑर्गन्स. जब इनका हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वो ब्लड जाकर इंटरनल ऑर्गन्स को डायरेक्टली बात करेगा. सही, दैट्स वाई इट इज़ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये दोनों एक दूसरे से मिक्सड अप होते हैं. देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरस्टीशियल फ्लूइड एंड ब्लड. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑर्गेनिजम्स में जब हार्ट ब्लड को पम्प करेगा तो क्योंकि ब्लड ब्लड वेजल्स में ट्रेवल नहीं कर रहा तो वो ऑर्गन्स को डायरेक्टली जाकर बात करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर सम ऑफ द बॉडी सेल्स. सही, इन सेल्स के अराउंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड इंटरस्टीशियल फ्लूइड होता है. अब चूँकि इन ऑर्गेनिजम्स में ब्लड ब्लड वेजल्स में तो ट्रेवल कर नहीं रहा कि कोई गैप हो इन दोनों के बीच में, तो जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो दैट ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इंटरस्टीशियल फ्लूइड. इट मीन्स देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टीशियल फ्लूइड. दे गॉट मिक्सअप. ब्लड और इंटरस्टीशियल फ्लूइड एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे. सो द जनरल बॉडी फ्लूइड इज टर्म्ड एज हीमोलिम्फ. तो इन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके जनरल बॉडी फ्लूइड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं. वी नाइदर कॉल इट ब्लड नॉर वी कॉल इट इंटरस्टीशियल फ्लूइड. कोई एक नाम हम नहीं दे सकते क्योंकि इंटरस्टीशियल फ्लूइड और ब्लड दोनों ही मिक्सअप हो रहे हैं. दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज हीमोलिम्फ. नाउ, वन और मोर हार्ट पम्प द हीमोलिम्फ इन टू एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ साइनसिस विच आर स्पेसिस अराउंड द ऑर्गन्स. अब साइनस क्या होते हैं? साइनस हमारे पास कुछ जो ऑर्गन्स के अराउंड स्पेस होती है, हम उनको साइनस बोलते हैं. तो द हार्ट पम्प द ब्लड इन टू एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ साइनसिस. जब हार्ट ब्लड को पम्प करेगा तो वो ब्लड जो है ऑर्गन्स के अराउंड जो साइनस होंगे वहाँ चला जाएगा. हेयर केमिकल एक्सचेंज अकर बिटवीन हीमोलिम्फ एंड बॉडी सेल्स. अब जब ये ब्लड पम्प होकर साइनसिस में चला जाएगा तो एक्सचेंज किस में होगा? एक्सचेंज अकर बिटवीन हीमोलिम्फ एंड बॉडी सेल्स. दिस थिंग नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. इन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? क्लोज टाइप में ये होता है क्योंकि ब्लड ब्लड वेजल्स में ट्रेवल कर रहा होता है तो वो ब्लड जो है सेल्स से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आता. उस ब्लड को जो भी ड्रॉप करना होगा सेल्स के लिए, वो ड्रॉप करेगा इंटरस्टीशियल फ्लूइड में. इंटरस्टीशियल फ्लूइड से वो सब्सटेंस, वो न्यूट्रिएंट जो है ट्रेवल करके जाएगी सेल में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं. फिर सेल को जो भी अपने वेस्ट ब्लड में एंटर करने होंगे, सेल वो वेस्ट एंटर करेगा इंटरस्टीशियल फ्लूइड में और फिर वो वेस्ट इंटरस्टीशियल फ्लूइड से जाएगा ब्लड में, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया. जबकि इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो रहा है? हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड गया सेल्स के अराउंड साइनसिस, सेल्स या ऑर्गन्स के अराउंड जो स्पेसेस हैं विच वी कॉल्ड साइनस. साइनसिस में जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है उससे मिक्सअप हुआ और बिल्कुल सेल्स के साथ डायरेक्ट सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आकर ब्लड जो है एक्सचेंज करेगा. इनमें वो सिस्टम नहीं है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कि ब्लड जो है ब्लड वेजल्स से कुछ ड्रॉप करेगा न्यूट्रिएंट्स को या मटेरियल्स को. नो, इनमें ब्लड वेजल्स हैं ही नहीं. देयर आर नो ब्लड वेजल्स विद इन दीज ऑर्गेनिजम्स. तो ब्लड जब पम्प होकर साइनसिस में आएगा, साइनस में आने के बाद डायरेक्टली सेल्स से अपना एक्सचेंज करेगा. देयर विल बी अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन हीमोलिम्फ एंड बॉडी सेल्स. इज दैट क्लियर? नाउ, इन ग्रास होपर एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स, हार्ट इज़ एन इलोंगेटेड ट्यूब लोकेटेड डॉर्सली. हार्ट एक इलोंगेटेड ट्यूब के फॉर्म में होता है जो कि डॉर्सली लोकेटेड होता है. डॉर्सली मतलब पीछे की तरफ और इलोंगेटेड ट्यूब मतलब लंबी सी कोई ट्यूब. When the heart contracts, it pumps hemolymph into the dorsal aorta, which empties into the hemocele. Hemocele क्या है? सील किसी भी कैविटी को बोलते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हार्ट ब्लड को पम्प करता है तो वो डॉर्सल अयोर्टा के ज़रिए से बॉडी कैविटीज़ में विच आर हीमोसील उनमें चला जाता है. When the heart contracts, opening called ostia are closed.
When the heart relaxes, the hemolymph is sucked. Hemolymph is sucked back into the heart by the way of ostia. अब ostia को आप consider कर सकते हैं like atria. जिस तरह closed type circulatory system में atrias और ventricles होते हैं, उसी तरह हम closed type circulatory system के ostia को atria consider कर सकते हैं. तो in open type circulatory system जब heart कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑस्टिया जो है वो क्लोज रहेंगे. ऑस्टिया का काम ब्लड को सक अप करना है बॉडी से, उसमें ब्लड आता है, फिर उसके बाद हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ऑस्टिया क्लोज रहते हैं. सही. द हीमोलिम्फ इज सक्ड बैक इनटू द हार्ट बाय वे ऑफ ऑस्टिया. फिर उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो फिर ऑस्टिया खुल जाता है और फिर सक अप कर लेता है पूरी बॉडी के ब्लड को. द हीमोलिम्फ ऑफ ग्रास हॉपर and other insects is colorless because it does not contain hemoglobin or any other respiratory pigment. Hemolymph है वो colorless क्यों है? वो hemolymph colorless इसलिए है क्योंकि उसमें hemoglobin नहीं है. Hemoglobin pigmented होता है, that gives a red hue, red color देता है. That's why hemoglobin ना होने की वजह से hemolymph जो है वो एक colorless fluid है. Hemolymph is a colorless fluid. Now the closed type circulatory system. What is closed type circulatory system or can organisms mein hota hai ye? Let's start it. In a closed type circulatory system, blood is confined to vessels. This line has to be noted. Blood kis mein confined hota hai? Vessels mein. It means blood jo hai, wo within vessels travel kar raha hota hai. It is not open. Ye openly travel nahi karta. Jab heart blood ko pump karega, to blood vessels mein travel karega. And is distinct from the interstitial fluid. That's why, क्योंकि वो blood vessels में travel कर रहा है, इसीलिए वो जो cells इसके around होंगे वो उनसे separated होगा, उनसे अलग होगा, उनसे direct contact में नहीं आएगा. और interstitial fluid के साथ जो कि cells के around होता है उनसे mix-up भी नहीं करेगा क्योंकि blood vessels में travel कर रहा है. One or more heart pumps blood into large vessels that branch into smaller ones coursing through the organs. एक या एक से ज़्यादा हार्ट जो है वो ब्लड को पम्प करेगा into large vessels. जब हार्ट ब्लड को पम्प करेगा तो मेजर लार्ज वेजल्स में उनको पम्प करेगा, फिर वो लार्ज वेजल्स फर्दर ब्रांच होंगी और स्मॉलर वेजल्स बनाएंगी और फिर वो ऑर्गन्स तक जाएंगी. हेयर मटीरियल्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूड बाथिंग द सेल्स. एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूड के बीच में. सही. जो क्लोज टाइप से ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गेनिजम्स थे उनमें एक्सचेंज हो रहा था ब्लड में और सेल के बीच में, जबकि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गेनिजम्स में एक्सचेंज हो रहा है ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में. दिस इज द वेजल दैट इज़ हैविंग ब्लड. ब्लड कैपिलरी के लेवल पर जाकर उसको जो भी न्यूट्रिएंट सेल के लिए ड्रॉप करने होंगे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ड्रॉप करेगा. सेल को अपना जो भी बेस निकालना होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देगा. इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक मैसेंजर के तौर पर काम करेगा, वो सेल के वेस्ट को एंटर करवाएगा ब्लड में और ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को एंटर करवाएगा सेल्स में. इट मींस ब्लड और सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे. नाउ एनालीड्स, सम मॉलस्क लाइक ऑक्टोपस एंड स्क्विड एंड वर्टिब्रेट्स हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास किन किन ऑर्गेनिजम्स में है? इट इज़ प्रेजेंट इन एनालीड्स, मलस्क एंड वर्टिब्रेट्स. नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन द हार्ट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स. जैसे जैसे वर्टिब्रेट्स में एवोल्यूशन हुआ है हार्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है. स्टार्टिंग विद टू चेम्बर्ड हार्ट ऑफ फिश. फिश का हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है? टू चेम्बर्ड हार्ट ऑफ फिश. सही. एंड कल्मिनेटिंग इन द फोर चेम्बर्ड हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स. और बर्ड्स और मैमल्स का हार्ट कितना है? फोर चेम्बर्ड. इट मीन्स एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है? फिश का हार्ट टू चेम्बर्ड था और कॉम्प्लेक्स होते होते वो बर्ड्स और मैमल्स में फोर चेम्बर्स का बन गया. सही. इन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन इज आइदर सिंगल और डबल सर्किट. आप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की फर्दर जो टू टाइप्स हैं उसमें क्या है? या तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सिंगल सर्किट होगा या फिर वो डबल सर्किट होगा. सिंगल सर्किट सर्कुलेशन. सिंगल सर्किट सर्कुलेशन इज़ अ सब टाइप ऑफ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम.
ये किन में होता है, किन ऑर्गेनिजम्स में होता है और क्या होता है सिंगल सर्किट, लेट्स स्टार्ट। द हार्ट ऑफ फिश इज़ टू चेम्बर्ड, हमें पता है कि फिश का हार्ट टू चेम्बर्ड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। लेट्स ड्रॉ इट, दिस इज़ द एट्रिया एंड दिस इज़ द वेंट्रिकल, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी सर्कुलेशन एंटर्स द एट्रियम, एट्रियम में कौन सा ब्लड आ रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, ये वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होती है, ये ब्लड आ रहा है एट्रिया में। नाउ थ्रू अ थिन वॉल्ड साइनस वेनोसिस विच ओपन्स इनटू अ मस्कुलर वेंट्रिकल, जब ये ब्लड पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आ जाएगा तो एट्रिया से ये ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल में सॉरी सिंगल वेंट्रिकल। द ब्लड इज़ पम्प्ड इनटू वेंट्रल एओर्टा, फिर ये ब्लड जाएगा एओर्टा में वाया कॉनस आर्टेरियोसिस। ऑल दीज चेम्बर्स हैव वेल्स विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, अब इन तमाम चेम्बर्स में एट्रिया में वेंट्रिकल में वेल्स हैं कि जब हार्ट ब्लड को पम्प करेगा तो वो ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में ना आए और जब एट्रिया ब्लड को पम्प करे तो ब्लड वापस से बॉडी में ना जाए, जब एट्रिया ब्लड को पम्प करेगा तो वो ब्लड वेंट्रिकल में आना चाहिए ना कि उसका बैक फ्लो हो, इसको प्रिवेंट करते हैं वेल्स। इसी तरह जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेल्स प्रिवेंट करेंगी कि वो ब्लड एट्रिया में ना जाए, फिर वो वेंट्रिकल से आएगा कहाँ, वेंट्रल एओर्टा में, वेंट्रल एओर्टा से ये ब्लड जाता है गिल्स के पास, गिल्स होता है ना फिशेस में, गिल्स क्या करते हैं, गिल्स के लेवल पर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है और फिर ये ब्लड जाता है बॉडी के पास, बॉडी सेल्स के पास जिनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, इट देन गोज़ टू बॉडी। नाउ द डबल सर्किट सर्कुलेशन, वॉट इज़ द डबल सर्किट सर्कुलेशन, फ्रॉम एम्फीबियंस अप टू द मैमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ डबल सर्किट सर्कुलेशन विद सेपरेट पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। डबल सर्किट सर्कुलेशन कौन सी होती है, जिसमें आपके पास पल्मोनरी और सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्किट वो जो बॉडी का सर्किट हो और पल्मोनरी वो सर्किट जो लंग्स का सर्किट है, वो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक ही पाथवे से जो ब्लड है वो नहीं आ रहा हार्ट में, पल्मोनरी सर्किट अलग है और सिस्टमिक सर्किट अलग है, बॉडी का सर्किट अलग है और लंग्स का सर्किट जो है वो अलग है, किस तरह से ये हम आगे समझेंगे। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री चेम्बर्स, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, लेट्स ड्रॉ इट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट थ्री चेम्बर्ड होता है, इनमें जो है दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, सपोज दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ द वेंट्रिकल। नाउ वॉट हैपन्स, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड विच इज़ ऑक्सीजन रिच, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। वेयर एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज़ पास टू द राइट एट्रियम वाया साइनस वेनोसिस बाई द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना कैवा, अब राइट एट्रियम में बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर ड्रेन कर रहा है, सही। दीज टू टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड स्ट्रीम्स रिमेन सेपरेटेड ड्यू टू एट्रियल सेप्टम इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, अब ये जो दोनों ब्लड हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं एट्रिया के लेवल तक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एट्रियल सेप्टम, किस तरह से इन दोनों के बीच में एक सेप्टम है जो इनको सेपरेट किए हुए, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे, सही। बट गेट मिक्स्ड टू सम एक्सटेंट विद इन द वेंट्रिकल, लेकिन जब यही एट्रिया अपने ब्लड को ड्रेन करेंगे विद इन द वेंट्रिकल तो ये ब्लड जो हैं दोनों के दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दे गॉट मिक्सअप, सही। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब मिक्स होंगे तो द सर्कुलेशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्किट, डबल सर्किट तो हैं लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्किट हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्किट क्यों है, वेंट्रिकल एक है, नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द कम्प्लीट डबल सर्किट, कम्प्लीट डबल सर्किट किस तरह का होता है,
इन क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स द हार्ट इज़ फोर चेम्बर्ड. क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स में हार्ट फोर चेम्बर्ड है विथ टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स. लेट्स ड्रॉ इट. दो एट्रिया, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाई द इंटर एट्रियल एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा. दोनों ही एट्रियम्स और दोनों ही वेंट्रिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जुदा हैं. किसके ज़रिए से? दोनों एट्रिया के बीच में एक सेप्टम है विच वी कॉल एज इंटर एट्रियल सेप्टम, और दोनों ही वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसकी वजह से इन दोनों का ब्लड जो है आपस में मिक्सअप नहीं करेगा. नाउ द राइट साइड रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड पर, हार्ट के राइट साइड पर, इट मीन्स द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल, बोथ ऑफ दीज रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल गेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सही, इस साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इस साइड पर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस. ब्लड हार्ट से दो सर्किट में सर्कुलेट होगा. वंस एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो जाएगा लंग्स के पास फ्रॉम द राइट साइड. सही, हमारे पास जो राइट साइड ऑफ हार्ट था उसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ द ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. अब इस ब्लड को कहाँ जाने की ज़रूरत है? इस ब्लड को जाने की ज़रूरत है लंग्स के पास ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो. तो ये यहाँ से जाएगा लंग्स के पास. लंग्स इसे ऑक्सीजनेट करेगा, इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा. फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, इस सर्किट को बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन. जब राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाएगा, ये है पल्मोनरी सर्किट. नेक्स्ट टाइम एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द लेफ्ट साइड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये दूसरा जो सर्किट जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के साथ एसोसिएटेड है वो है सिस्टमिक सर्किट. सिस्टमिक सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें ब्लड जो है बॉडी में फ्लो करेगा. तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी में. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली आता कहाँ है, कहाँ से है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता लंग्स से ही है. लंग्स जब ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है तो फिर वो उसके बाद उसको पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से लेफ़्ट एट्रियम में भेजता है. लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ़्ट एट्रियम उसको ड्रेन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल उसे पम्प करता है बॉडी में. दिस सर्किट इज़ कॉल्ड सिस्टमिक सर्किट. नाउ दिस इज़ नोन एज कम्प्लीट डबल सर्किट.